अयोध्या रामनगरी के नजरबाग स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु नानक गोविंद धाम अयोध्या में छठवें गुरु हर गोविंद साहिब जी के पावन प्रकाश पर्व पर मेदांता हॉस्पिटल के विशेषज्ञों द्वारा एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन खालसा फाउंडेशन के साथ संयुक्त रूप से किया गया। शिविर का उद्घाटन आईजी प्रवीण कुमार और कमिश्नर गौरव दयाल द्वारा किया गया। इस शिविर में पेट और हृदय के विशेषज्ञ भी परामर्श के साथ बीपी, शुगर, ईसीजी, SpO2, वजन, BMI की जांचें निःशुल्क चल रही है। जत्थेदार बाबा महेंद्र सिंह ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सिख धर्म के छठवें गुरु हरगोविंद साहिब महाराज का पावन प्रकाश पर्व 22 जून शनिवार काय हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बाबा जी ने बताया कि हमारी परंपरा रही है कि इस पावन दिन को हम जनसेवा में समर्पित करें, तो इसी परंपरा के निर्वहन में इस वर्ष भीषण गर्मी और अयोध्या में दर्शनार्थियों की भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य शिविर के साथ विशाल लंगर प्रतिदिन चलता रहता है। गुरुद्वारा के सेवादार नवनीत सिंह निशु ने सभी अयोध्या वासियों से अधिक संख्या में शिविर में आकर स्वास्थ्य लाभ लेने की अपील की है। आज कार्यक्रम है हमारे 6वें गुरु हरगोविंद पातशाह जी महाराज जी का अवतार पर्व है, जन्म दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में आज गुरुद्वारा नजरबाग में श्री गुरु नानक गोविंद धाम गुरुद्वारा नजरबाग में कैंप शिविर लगा है, जिसमें काफ़ी रोगों के डॉक्टर जांच करेंगे। तो हमारे 6वें गुरु 5वें गुरु जी के सुपुत्र थे, तो आज की एक परंपरा उनकी जो निर्माणता की गुरु जी ने हमारे को दी है, जैसे 5वें गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के घर में काफ़ी लंबा समय सुल्तान नहीं हुई थी, तो उनकी धर्मपत्नी माता गंगा जी उन्होंने प्रार्थना की कि गुरु जी मेरे को पुत्र चाहिए। तो हमारे सिख धर्म में बाबा बूढ़ा जी नाम के महात्मा हुए हैं, जिन्होंने 6 गुरुओं तक गुरियाई दी है। तो गुरु जी ने उनके पास उनको भेजा कि जाओ, वहाँ से आपको ये दात मिलेगी। जो पहले दिन गए तो वो घोड़े रथ पे चढ़ के गए, तो गुरु जी को दूर से देखा तो बाबा बूढ़ा जी ने अपने शिष्यों से पूछा कौन आ रहा है, तो बताया गया कि आज माता गंगा आ रहे हैं। तो मुख में से निकला कि गुरु क्या को कैसे भाजट पड़ गई कि घोड़ों की काटापों से धूल मिट्टी उड़ रही थी। तो वरदान लेने के लिए गए थे तो वरदान की जगह पे श्राप हो गया। फिर जब घर में आए तो फिर गुरु जी को बताया, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को भी, ऐसे मैं तो वरदान लेने गई थी, बाबा बूढ़ा जी ने ये वचन किया है। तो गुरु अर्जन देव जी ने कहा भी जब किसी से कुछ चीज़ लेने जाना चाहिए महात्मा से, तो निर्माण होके जाना चाहिए, घोड़े रथों पे जाना नहीं चाहिए। तो कहा भी कैसे, कहते कल को आप जाना और घर से अपने हाथ से दही जमाना, फिर उसको बुलाना, उसमें से मक्खन निकालना, लस्सी लेना साथ में, और प्याज डाल के बेसन डाल के मिस्सी रोटी बनाना। तो फिर अगले दिन माता जी ने अपने हाथ से सुबह उठ के स्नान पानी करके सारा लंगर तैयार किया, तो फिर पैदल बाबा बूढ़ा जी के पास गई। तो जब दूर से बाबा जी ने देखा तो सेवकों को पूछा कौन आ रहा है, कहते माता जी आ रहे हैं, गुरु के महल आ रहे हैं। तो कहो जल्दी बुलाओ उनको, मेरे को बहुत भूख लगी है। तो बाबा बूढ़ा जी जब पास में गए तो बाबा बूढ़ा जी ने वो भोजन अपने आप के रखा, उसमें से प्याज निकाला, वो प्याज को घुटने पे रख के ज़ोर से मुक्का लगाया, तो उसमें से जो बीच वाला बीज होता है वो इतनी दूर जाके गिरा। तो वरदान दिया कि माता मैं ऐसा आपको पुत्र दूंगा, आपके ऐसा पुत्र पैदा होगा जो मुगलों के ऐसे सिर फोड़ेगा। यानी उस समय गुरु जी की 5वें गुरु से लेके मुगल शासन के साथ लड़ाई शुरू हो गई थी। 6वें गुरु जी ने फिर 6 जंगें लड़ी, तो आज वो शूरवीर जो हैं मीरी पीरी के मालिक, उन्होंने 2 तलवारें पहनी, तो 4 जंगें गुरु हरगोविंद जी ने लड़ी, आज उनका आगमनपुर है। तो आज उसी संबंध में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक गोविंद धाम में नजरबाग में प्रभु राम की नगरी अयोध्या में ये शिविर लगा है, जो मेदांता हॉस्पिटल से डॉक्टर आए हैं, तो वो जांच पेट की, हृदय रोगी, शुगर, ब्लड, इन चीज़ों की जांच कर रहे हैं। तो हम प्रभु के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि जो डॉक्टर आए हैं उनको भी प्रभु आशीर्वाद दे, उनके हाथ में सफलता हो, और जो रोगी आए हैं दवाई लेने के लिए, मेडिक चेक करवाने के लिए, प्रभु कृपा करे उनको भी यह तंदुरुस्ती मिले। तो आज सब लोग आए हैं, तो मतलब अफसर लोग भी आए थे,
डीएम साहब कमिश्नर साहब आए थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मीडिया वाले लोग आए हो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और संगत आई है जो इस शिविर में सहयोग करने के लिए उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। हम छठवें गुरु जी के जन्मोत्सव के अवसर पर यहाँ पर एक मेडिकल कैंप लगाया गया है नज़रबाग जो हमारी गुरुद्वारा है बहुत ही विशेष स्थान यहाँ पर है अयोध्या में और परंपरागत रूप से यहाँ पे हर वर्ष बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं और यहाँ पे जो हमारे श्रद्धालु हैं भक्त हैं जितने भी लोग यहाँ पे अयोध्या में आते हैं उन सबको इसका लाभ मिलता है। तो ये बहुत ही एक बहुत ही पुण्य का काम है जो यहाँ पे जो हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं वो इसको आयोजित कर रहे हैं। मैं आप सबका आभारी भी हूँ और मैं ये भी अपील करूँगा कि जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं पूरे सेवा भाव से आएँ, यहाँ पर जो भी इनकी समस्याएँ हैं उसका निराकरण होगा और ये बहुत ही अच्छी परंपरा है, इसको आगे बढ़ाए रहें। हम लोग भी जितना सहयोग हो सकेगा इनका करेंगे। अयोध्या उत्तर प्रदेश से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।